परम आदरणीय आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, परम आदरणीय मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और एक लंबे अरसे से राजनीति में संगठन में योगदान देने वाले, जिन्होंने बचपन से मुझे देखा है, आज हमारे साथ उपस्थित हैं आदरणीय दिग्विजय सिंह जी, मेरे बड़े भाई विभाकर शास्त्री साहब। इस कल की महोत्सव में, इस प्रांगण में, इस धरती पर मौजूद सभी शांति बनाए, सभी आदरणीय शांति बनाए संत महात्मा गण, मैं सबसे पहले अपनी तरफ से और आप सबकी तरफ से आचार्य प्रमोद जी को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं, शुभकामना देना चाहता हूं कि एक भव्य आयोजन आपने हर साल की तरह आज यहां पर किया है। कल की महोत्सव 5 दिन का ये कार्यक्रम, इसके शुभारंभ में हम सबको भाग लेने का अवसर मिला, यह हमारे लिए सौभाग्य की बात है। और जैसा विभाकर जी ने, आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने बोला, और जैसा भी हम सब ने मिलकर जो संदेश यहां से लिया, मैं उसको रेखांकित करना चाहता हूं। साथियों, आदरणीय दोस्तों, नौजवान भाइयों, संतगण जो अलग अलग धामों से यहां पर प्रस्तुत हैं, यहां पर उपस्थित हुए हैं, आज हम सब लोगों ने जिस गीत को दोहराया है, जिस भावना से इस तिरंगे को अपने हाथों में लिया है, ये धाम उस भावना का प्रतीक है। यहां के लोग, यहां के भक्तजन, यहां के सेवादार, यहां की मिट्टी इस बात को उजागर करती है कि इतने बड़े मुल्क में, इतने बड़े देश में नाना प्रकार की विचारधाराएं हैं, धर्म हैं, पृष्ठभूमियां हैं, जाति हैं, गोत्र हैं, भाषाएं हैं, लेकिन अंततः हम सब इस भारतीयता में पिरो हुए फूल की मालाएं हैं। इसलिए आज यहां से हमें संकल्प लेना पड़ेगा, जैसा आदरणीय दिग्विजय सिंह जी ने कहा, कि हम धर्म हमारा है, परमपिता परमेश्वर ने किस कोक में मुझे जन्म दिया मेरे हाथ में नहीं है, मैं धरती में किस मुल्क में पैदा होऊंगा, हिंदुस्तान के किस राज्य, किस प्रांत में पैदा होऊंगा, मैं हिंदू बनूंगा, मुस्लिम बनूंगा, स्त्री होऊंगा, पुरुष होऊंगा, मेरे हाथ की बात नहीं है, ये ऊपर वाला तय करता है। लेकिन जब एक इंसान होश संभालता है, जब हम अपने पैरों पर खड़े होते हैं, जब हम इस लायक बन जाएं कि हम बात कर सकते हैं, सोच विचार कर सकते हैं, तब मैं, मेरे कर्म, मेरी कार्यशैली, मेरी सोच, मेरी भाषा, मेरे काम करने का तरीका, मेरी प्रणाली, ये मेरे हाथ में है, इसका दोष, इसका, इसकी जिम्मेदारी मैं किसी और को नहीं दे सकता हूं। तो हम लोगों का दायित्व तो बनता है, भारतवर्ष की पवित्र मिट्टी में हमने जन्म लिया है, अलग अलग जाति, धर्म, बिरादरी, गोत्र, भाषा हम लोगों की हैं, और मुझे गर्व है, फक्र है, लेकिन कहां कुरान में लिखा है, कहां गीता में लिखा है कि प्रभु परमेश्वर दो होते हैं? ईसा मसीह भी एक थे, भगवान राम भी एक हैं, ऊपर वाला एक ही होता है, मजहब अलग है, भाषा अलग है, लेकिन वो शक्ति जिसने सृष्टि का निर्माण किया है, ये प्रकृति, ये मानव जाति को जिसने पैदा किया है, हमारे अंदर जो आस्था मौजूद है, मेरी वाणी में जो शक्ति और ताकत आ रही है, ये मेरे अंदर की ताकत है, और हमें सिखाती है कि हमें लोगों को एक दूसरे से जोड़ना है। हम लोग जिस क्षेत्र में काम करते हैं, राजनीतिक क्षेत्र में चुनाव भी लड़ते हैं, भाषण भी देते हैं, विरोधियों की कमियां भी निकालते हैं, अपनी प्रशंसा भी करते हैं, पीठ भी थपथपाते हैं, लेकिन उस सब का उद्देश्य होता है कि हमें उस जगह तक पहुंचना है ताकि हम जनता की और अधिक सेवा कर सकें। हमारी दुश्मनी किसी से नहीं होनी चाहिए, हमारी प्रतिस्पर्धा होनी चाहिए कि कौन सी सोच, कौन सी विचारधारा, कौन सा नेता बेहतर है जनता की सेवा करने के लिए। जनता जनार्दन तय करेगी, यह लोकतंत्र की मूल भावना है। लेकिन द्वेष पैदा कर देना, कड़वाहट पैदा कर देना, टकराव की स्थिति पैदा कर देना,
मैं नहीं समझता हूं कि ये किसी सभ्य समाज की देन हो सकती है। इसलिए आचार्य प्रमोद कृष्ण जी, आपने यहां से जो संदेश देशभक्ति का दिया है, जो मानव जाति की एकता का दिया है, उस सबको हमें और व्यापक बनाना पड़ेगा। आज देश और दुनिया में बहुत से ऐसे लोग हैं जो मेरी सोच से वाकिफ नहीं होंगे, जो मेरी सोच से सहमत नहीं होंगे। वो मेरे विरोधी हो सकते हैं, लेकिन मेरे दुश्मन नहीं है। आपस में चर्चा नहीं होगी, वार्तालाप नहीं होगा, संवाद नहीं होगा, आदान प्रदान नहीं होगा, तो दुश्मनियां पैदा होंगी। इस 130 करोड़ के मुल्क में अपार संभावनाएं हैं। उन संभावनाओं को तलाशना, नौजवानों को ताकत देना, लोगों का सम्मान करना, मां बेटियों को इज्जत देना, बड़ों को आदर देना, ये अगर हम अगली पीढ़ी को नहीं सिखा रहे हैं, ये हम अपने बच्चे पोतों को नहीं सिखा रहे हैं, तो हम अपना कर्तव्य नहीं निभा रहे हैं। इस देश में जैसे आप सब लोग यहां संत बैठे हैं, आप प्रभु को चारण करते हैं, हम लोग अपने जीवन में, कोई खेती करता है, कोई फौजी है, कोई राजनेता है, हम भी अपने कर्म के माध्यम से पूजा करते हैं। इसलिए कर्म योगी होना बहुत जरूरी है। धर्म कोई भी हो, मानवता के लिए समर्पित, देश के लिए समर्पित। और इतने सारे झंडे इस देश में हैं, कोई पीला है, कोई नीला है, कोई लाल है, कोई गुलाबी है, कोई रंग का है, लेकिन सबसे बड़ा झंडा जिसके आगे सबको शीश झुकाना पड़ेगा, वो हमारी भारत माता का तिरंगा झंडा है। उससे बड़ा कोई झंडा नहीं। और मुझे खुशी आचार्य जी कि आपने आज जो यहां से प्रस्तुति करवाई है, सब लोग अलग अलग जगहों मर जाएंगे, ये संदेश लेकर जाना पड़ेगा। बहुत चुनौतियां हैं प्रदेश में, देश में, इन चुनौतियों का मिलकर सामना करेंगे, एक बेहतर भविष्य का निर्माण करेंगे। और वो सब लोग जो एक दूसरे के बीच दूरियां बनाना चाहते हैं, उनको हम सब प्यार से, मोहब्बत से, सद्भावना से, क्योंकि 5000 साल से भारत की जो इतिहास और पृष्ठभूमि है, जो संस्कृति है, वो प्रेम की है, भाईचारे की है, अपनेपन की है, त्याग की है, तपस्या की है, समर्पण की है। उस भावना को पुनः पैदा करना पड़ेगा और प्यार से एक दूसरे का मन जीतने का काम करना पड़ेगा। मेरी तो ये प्रभु से कामना आचार्य जी कि आपने इस महोत्सव को 1.5 दशक पहले शुरू किया था। आदरणीय दिग्विजय सिंह जी कई बार यहां पर आए, मुझे भी दोबारा आने का मौका मिला। अलग अलग लोग यहां पर आते हैं और ये एक भावना होती है जो इतने लोगों को जोड़ सकती है। इस भावना को और मजबूत कर हमें आगे बढ़ना है। और मैं चाहूंगा कि बहुत निकट भविष्य में, बहुत निकट भविष्य में इसी जमीन पर, इसी कल्कि धाम के अंदर वो विराट और भव्य मंदिर बने जिसकी आपने कल्पना की है, उसमें हम सब योगदान देंगे। हाथ खड़े करके जोरदार जयकार लगाइए, बोलो कल्कि भगवान की। मैं एक बार पुनः आप सबका आभार व्यक्त करता हूं, आपने मेरी बात को सुना, और आचार्य जी आपका पुनः धन्यवाद कि आपने हम सबको यहां आमंत्रित किया। अब मैं जयपुर से चलकर आपके लिए यहां पर आया था, लेकिन मुझे खुशी है कि यहां पर इतने प्रबुद्ध जनों का मुझे आशीर्वाद लेने का मौका मिला। ईश्वर ने कहा और करा तो जरूर दोबारा आपके बीच में यहां पर आएंगे आपका आशीर्वाद देने के लिए। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद। राम राम सा। सचिन जी अभी ऊपर ही रहिएगा। सचिन पायलट जी ने आज श्री कल्कि धाम के निर्माण का जो ये उद्घोष किया है, मैं सभी संतों से चाहूंगा कि हाथ खड़े करके परमात्मा से प्रार्थना करके उनको शुभाशीष दें कि जब वो अगली बार आए तो राजस्थान के मुख्यमंत्री बनकर आए। भारत माता की।